हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू रहा है एक्सरसाइज नंबर 3 के। इसमें 1 to 20 क्वेश्चन हो गए हैं और आज देखेंगे 21 to 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब 21st क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट का यूज एज अ लुब्रिकेंट करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं यूज्ड इन लेड पेंसिल, तो ग्रेफाइट का यूज लेड पेंसिल्स के रूप में भी करते हैं। फिर थर्ड आता है इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो उसमें क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन है वो कि इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.42 एंगस्ट्रॉम, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इज 3.35 एंगस्ट्रॉम। ग्रेफाइट में अगर दो लेयर के बीच की डिस्टेंस देखते हैं तो उसकी डिस्टेंस होती है 3.3 एंगस्ट्रॉम, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर थर्ड देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन क्या है यहाँ पर, डायमंड इज अ वेरी हार्ड एलिमेंट, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि डायमंड क्या होता है, हार्ड एलिमेंट होता है। फिर उसका रीजन क्या दिया हुआ है, डायमंड हैड्स जेंट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर हम कार्बन में देखते हैं तो इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.5 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 100 डिग्री होता है। साथ में अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन जो होता है, कार्बन एटम आपस में ना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा फॉर्मली बाउंड होते हैं, इस कारण से ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। इसका रीजन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, L1 इज द लेंथ बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम इन अ लेयर एंड L2 इज द लेंथ इन बिटवीन टू लेयर ऑफ ग्रेफाइट, द अप्रोक्सीमेट रेशो बिटवीन L1 एंड L2 इज। तो इसका हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर, तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक लेयर में जो कार्बन है, इस कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, या फिर इसको बोलते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.42 एंगस्ट्रॉन्ग, और इसको एल के द्वारा हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। फिर देखते हैं इसमें दो लेयर्स हैं, यहाँ पर 3 लेयर है ग्रेफाइट की, तो 2 लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 3.35 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमें रेशो पूछा है कि L1 एंड L2 के बीच का रेशो क्या है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड दो लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है उनका रेशो पूछा है। तो हमारे पास रेशो अगर हम निकालते हैं तो L1/L2, तो इस टाइप से इसका रेशो आ जाता है 0.4 आंसर आएगा, और अगर हम इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो 2:5 का रेशो इस टाइप से आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, इन HSN प्रोसेस ए इज हीटेड विद सिलिका इन अ इलेक्ट्रिकल फर्नेस at 3700 Kelvin टू ऑप्टेन एन इंटरमीडिएट बी एंड फाइनली टू गिव CND, डी गोस आउट एज वेपर, देन प्रोडक्ट क्या रहेगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो HSN प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में ए है, तो ये ए क्या है, और फिर उसमें पूछा हुआ है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट क्या होता है, फिर इंटरमीडिएट के अगर हम रिएक्शन कराएंगे फिर से तो हमें फाइनल प्रोडक्ट CND मिलेगा, तो इसमें सी क्या है। तो यहाँ पर हम HSN प्रोसेस का रिएक्शन देखते हैं, ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है कि HSN प्रोसेस में हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन को किस फॉर्म में लेते हैं, एज अ कोक फॉर्म में लेते हैं, और ये भी क्या है, एक एलोट्रॉप होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है। फिर अगर हम कार्बन की रिएक्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे और टेम्परेचर कितना रहेगा इसमें, टेम्परेचर रहेगा 3700 केल्विन, तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलता है वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड मिलता है, और इसी को हम कार्बोरंडम भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट बी मिल गया है हमें, सिलिकॉन कार्बाइड। फिर इसी इंटरमीडिएट को फिर से आगे हम अगर हीट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हो गया है, ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है, तो इस टाइप से सी प्रोडक्ट मिल गया है, और साथ में डी क्या करेगा, डी वेफर के फॉर्म में आउट हो जाएगा, तो ये हो गया है डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि हमें दो एलोट्रॉप मिल रहे हैं, एक ए एलोट्रॉप है वो क्या है, कोक मिल रहा है, और जो सेकेंड एलोट्रॉप है वो है ग्रेफाइट, मतलब ये ए पूछा है और सी पूछा है, तो ए हो गया है कोक एलोट्रॉप, सेकेंड हो गया है सी ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें दो टाइप के एलोट्रॉप मिल रहे हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ए एंड सी आर एलोट्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
क्वेश्चन नंबर 26 से असर्शन क्या है, कार्बन कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बट नॉट विथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका असर्शन क्या है कि अगर कार्बन के रिएक्शन हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम कार्बन की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके साथ उसकी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डाइल्यूट HCl होता है और जो डाइल्यूट H2SO4 होता है वो क्या होते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसी कारण से इनकी कार्बन के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड जो होते हैं और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसी कारण से कार्बन के साथ रिएक्शन कर पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर इसमें जो असर्शन है, असर्शन तो करेक्ट है, फिर उसका रीज़न हम देखते हैं, रीज़न क्या है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड आर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट H2SO4 आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी उसका करेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा, बहुत आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। कार्बन की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा और साथ में सोडियम एंड H2KS। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर, इन सब में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है। ऑप्शन 1 है सिलिका एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सिलिका पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जिबिट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट आता है कलर्ड क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज आर यूज्ड एज जेम, जो कलर्ड क्रिस्टल होते हैं क्वार्ट्ज के उनका यूज एज अ जेम किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है सिलिका ऑन हीटिंग टू 1600 डिग्री टेम्परेचर गिव्स क्वार्ट्ज ग्लास, तो अगर हम सिलिका की रिएक्शन या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन 1600 डिग्री टेम्परेचर पर कराएंगे तो हमें क्वार्ट्ज ग्लास मिलेगा, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर आता है फोर्थ, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 4 सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसमें क्या होता है कि जो एक सिलिकॉन होता है, एक सिलिकॉन आपस में 4 ऑक्सीजन के द्वारा बाउंडेड होते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऑक्सीजन आपस में 4 सिलिकॉन एटम के द्वारा बाउंडेड होता है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, सिलिका कंटेंट्स, सिलिका में क्या कंटेंट रहता है। तो सिलिका में कंटेंट होता है SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एसिडिक फ्लक्स अमंग द फॉलोइंग इज, इन सब में एसिडिक फ्लक्स कौन सा होता है, तो वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड किन में सॉल्युबल नहीं है। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाता है प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट होता है H2SiF6 मिल जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा वाटर ग्लास मिल जाएगा, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड KOH के साथ भी सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड न तो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ सॉल्युबल है न ही डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्युबल है, तो इस कारण से इसका आंसर क्या रहेगा, HNO3 में सॉल्युबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, इन H2SiF6 हेक्साफ्लोरोसिलेन में सिलिकॉन की कोवेलेंसी क्या होती है, तो उसमें सिलिकॉन की कोवेलेंसी होती है 6, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराने पे मिलता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरोसैलिसिलिक एसिड, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा एक्स प्रोडक्ट, साथ में 4 मोल ऑफ HCl के मिल जाएंगे। फिर इसे एक्स की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, 1000 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हीट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा वाई प्रोडक्ट, वाई ऑन हीटिंग नवित एक्सेस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगर हम वाई की रिएक्शन एक्सेस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जरा रहेगा वो क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं,
ये है हमारे पास रिएक्शन। अगर हम सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं या फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है ऑर्थोसैलिसिक एसिड और साथ में 4 मोल ऑफ HCl निकल जाते हैं। फिर इसी ऑर्थोसैलिसिक एसिड की रिएक्शन हम 1000 डिग्री टेम्परेचर पर कराते हैं या फिर इसको हीट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पर मिल जाएगा सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और इस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा हेक्साफ्लोरोसैलिसिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ये रहा हेक्साफ्लोरोसैलिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन ए के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएंगे वाई एंड एक्स। इन दिस रिएक्शन वाई इज़ द वन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग गैस। इस रिएक्शन में जो वाई रहेगा वो वाई क्या रहेगा, एक ग्लोबल वार्मिंग गैस रहेगी। फिर ए इज़ द वाटर सॉल्युबल अल्कली मेटल कार्बोनेट और ए क्या है, यहाँ पर एक अल्कली मेटल कार्बोनेट है जिसका कि मॉलिकुलर वेट दिया है 106। द कॉमन नेम ऑफ एक्स इज, मतलब इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम एक कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर एक्स जो मिलेगा उस एक्स का नाम क्या रहेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन हम इसका देखते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि अल्कली मेटल कार्बोनेट, मतलब अल्कली मेटल कार्बोनेट मतलब ग्रुप वन के कोई भी कार्बोनेट होगा उसमें या तो लिथियम कार्बोनेट होगा या फिर सोडियम कार्बोनेट होगा। तो यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर वेट तो 106 नहीं है लेकिन सोडियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर वेट है 106। अगर हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखते हैं तो होता है Na2CO3 होता है। अगर हम Na2CO3 की रिएक्शन SiO2 के साथ कराएंगे तो हमें मिल जाएगा, इस टाइप से हमने रिएक्शन किया है ये है, अगर SiO2 की रिएक्शन हमें कराइए सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराइए तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा वाटर ग्लास और साथ में एक गैस, ये गैस क्या हो रही है रिलीज हो रही है, तो एक गैस मिल रही है और साथ में यहाँ पर मिल रहा है वाटर ग्लास। तो इस टाइप से इसका आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पर ए रहेगा सोडियम कार्बोनेट और जो एक्स रहेगा वो रहेगा वाटर ग्लास। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37, सिलिका इग्नाइट इन सुवर हेलोजन टू फॉर्म एक्स, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स अनदर कंपाउंड वाई इज फॉर्म्ड, वाई ऑन हीटिंग 8000 डिग्री टेम्परेचर लूजेस वाटर टू फॉर्म जेड, जेड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सिलिकॉन की रिएक्शन एक सुपर हेलोजन के साथ हम कराते हैं, तो सुपर हेलोजन में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सुपर हेलोजन में फ्लोरीन आता है, उस फ्लोरीन की रिएक्शन अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड मिल जाएगा और उसी सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिल जाएगा सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे। और सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे किस पे, 1000 डिग्री टेम्परेचर पर, या फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं, तो इसका कंप्लीट रिएक्शन इस टाइप से होता है, इस टाइप से इसका कंप्लीट रिएक्शन ये होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, सुपर हेलोजन मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड क्या हो गया, यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट हो गया है, फिर इस एक्स का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वाई प्रोडक्ट मिल रहा है, वाई यहाँ पर क्या रहेगा सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड मिल रहे हैं। फिर इन्हीं सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे 1000 डिग्री टेम्परेचर पर, उसको हीट कराएंगे तो यहाँ पर मिल रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड और साथ में क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर रहा है, तो इस टाइप से इसका रिएक्शन हुआ है और हमें मिल गया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम किस किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो नीचे यहाँ पर हमें कुछ रिएक्शंस दी हुई है, तो करेक्ट रिएक्शन कौन सी है, तो उसमें रिएक्शन फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रही है तो ये वाला रिएक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड रिएक्शन देखते हैं तो सिलिकॉन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करके ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ये वाला रिएक्शन क्या है, करेक्ट है। थर्ड वाला, इसमें तो कोई सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फोर्थ में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, दिस इज बिकॉज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंटेन वीक वैन डेर वाल अट्रैक्शन वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इस कारण से सॉलिड होता है, लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें वीक वैन डेर वाल फोर्सेस होते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसमें कैसे होता है, पी पाई बॉन्डिंग होती है, और पी पाई बॉन्डिंग होती है, साथ में इसमें वीक वैन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, इस कारण से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक गैस की तरह होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं,
स्टेटमेंट नंबर टू देखते हैं. सॉलिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज़ अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट है करेक्ट है कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं. ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड देखते हैं, बहुत कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है कि अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, बॉथ कंटेन वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन. तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39. हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड गिव्स कंपाउंड एक्स एंड HCl. ऑन हीटिंग टू 1000 डिग्री टेम्परेचर एक्स लूजेस वाटर एंड फॉर्म वाई. आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट एक्स और साथ में मिलेगा HCl. फिर उसी एक्स के अगर हम हीटिंग कराएंगे 1000 डिग्री टेम्परेचर पर तो ये वाटर को लूज करेगा और एक वाई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. तो एक्स और वाई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन. तो रिएक्शन हमारे पास ये है कि सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है एक्स जो प्रोडक्ट होता है, एक्स प्रोडक्ट मिल जाता है ऑर्थोसैलिसिक एसिड. और इसी ऑर्थोसैलिसिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं 1000 डिग्री टेम्परेचर पर, उसको हीट कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है. तो एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है ऑर्थोसैलिसिक एसिड एंड वाई है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर 40 आता है जिसमें लिस्ट वन दिया है और लिस्ट टू दिया है, तो हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है. तो उसमें फर्स्ट क्या है, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट. फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो होता है NH2 NP2. फिर ये ट्राइडाइमाइट क्या होता है, ट्राइडाइमाइट होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका. तो इसका बी के लिए टू आएगा. फिर देखते हैं लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह कौन यूज़ होता है, ग्रेफाइट होता है लुब्रिकेंट. फोर होता है हार्डेस्ट मटेरियल, तो हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री. तो ये हो गए हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन और बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे.